क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 ने प्रत्येक अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए, 20वें ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किया, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। अब देखो 20 लोगों ने कितना रुपये, 100 रुपये खर्च किया मान लो, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने कितना खर्च किया, 175, और प्लस जो 20वां व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति बच रहा है, उसने क्या किया कि इन सभी के एवरेज से 19 रुपये अधिक खर्च किया। देखो तो 20x और यहाँ से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19x, 19x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 1 होगा और ये कितना 175 है ना। यहाँ पर देखो अब इसको काटेंगे तो कितना, सारा चीज़ लिखना नहीं होता है, देखो सारा चीज़ यहाँ पर लिखना नहीं होता, 19 × 175 प्लस में ये होता है 19। अगर मैं 19 से काटूँ तो ये कटेगा और ये कटेगा, 175 प्लस है कितना हुआ 76, यानी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 176। पूछा गया क्या कि 20 विद्यार्थियों ने कितना भोजन पर खर्च किया, तो 176 × 20 कितना हो जाएगा, 6 × 12, 7 × 14, 1 × 15, 2 × 1 × 3, 3520 रुपये। अब यहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर 19 से भाग देते, क्यों ऐसा क्यों करना है जब आपको सीधे सीधे दिख ही रहा है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आपको, समझना है।